नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो विवाह प्रमाण पत्र है उसका पंजीयन हेतु हम जो ऑफलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए जो हमें आवश्यक दस्तावेज जो चाहिए उनमें एक आवेदन फॉर्म है, वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं क्या क्या चाहिए वो सभी आपको कमेंट बॉक्स में या आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्रम वाइज आपको बता दिए जाएंगे, जो जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आवेदक का नाम है, फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर आवेदक का नाम लिख देना है, और आवेदक का नाम लिखने के बाद इसका जो पिताजी का नाम है वो लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना गांव और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकेंड पेज है उस पर आपको चले आना है। सेकेंड पेज पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको जो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर है, आपको यहाँ पर जो कार्यालय ग्राम पंचायत है उसका नाम लिख देना है, तहसील लिख देनी है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको या ऊपर जो लिखा हुआ पंजीयन अधिकारी, इसके बाद आपको ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, और यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आपको जो वर का नाम है वो आपको लिख देना है, यहाँ पर जो वर है उसके पिताजी का नाम, यहाँ पर उसकी जन्म तारीख, याद रहे जन्म तारीख 18 वर्ष 21 साल से नीचे ना हो। इसके बाद आपको जहाँ का वो निवासी है उसका यहाँ पर आपको जो पता है वो आपको लिख देना है। यहाँ पर जो विवाह की दिनांक है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही सही फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो वधु है उसका नाम लिख देना है, उसके पिताजी का नाम, यहाँ पर जन्मतिथि फिलअप कर देनी है, और जो एड्रेस है या ग्राम पंचायत है उसका यहाँ पे निवासी का जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे विवाह की जो दिनांक है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर नीचे आना है, यहाँ पर विवाह स्थल का पता, जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है वो स्थान आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको इधर जो वर का नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, इधर वर वधु का नाम लिख देना है, और यहाँ पर वर की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे चस्पा कर देनी है, और इधर वधु की फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देनी है, और यहाँ पर दोनों की जो जॉइंट फ़ोटो या संयुक्त फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन जानकारी संपूर्ण मिलेगी आपको। इसके बाद जो गवाह वर पक्ष है, यानी कि वर के जो गवाह होते हैं उनका यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर लेना है, उनका नाम लिख देना है और उनका पता लिखवा लेना है। यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद इसी प्रकार आपको यहाँ पे इधर आपको वधु के जो गवाह पक्ष है उनका आपको यहाँ पे डिटेल्स देना है। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको जो आपका जो आवेदक है उसका यहाँ पर आपको सिग्नेचर करवा लेना है। आवेदक का सिग्नेचर करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना है। यहाँ पे सेकंड पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर पंजीयन अधिकारी, जो अधिकारी है ग्राम विकास अधिकारी, उसका यहाँ पे नाम, जो ग्राम विकास अधिकारी आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर जो सूचनाएँ हैं इनमें आपको वर का विवरण लिखना है। इस यहाँ पर वर का विवरण यहाँ पर जो है यहाँ पर वर का नाम लिख देना है हिंदी के अंदर, इधर आपको इंग्लिश में लिखना है, जो इधर आप हिंदी में लिख रहे हैं वो इधर आपको इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर वर के पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ पर माता का नाम हिंदी में लिख देना है, इधर आपको इंग्लिश में फिलअप कर देना है। इसके बाद जो वर की जाति है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, और उसका जो स्थायी पता है वो यहाँ पे लिख देना है, जन्म दिनांक यहाँ पे लिख देनी है, और नागरिकता आपको इंडियन है ही है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आप क्या वर कौन सी क्लास तक शिक्षा ग्रहण की हुई है वो यहाँ पर लिख देना है, धर्म लिख देना है, मोबाइल नंबर आपको इधर लिख देना है, आधार संख्या जो वर की है वो यहाँ पे लिख देनी है, ईमेल आईडी अगर है तो यहाँ पे लिखना है, जिला आपको लिखना है आपका, और राज्य आपको राजस्थान लिख देना है। इधर इसी प्रकार आपका जो इधर का पोर्शन है उसमें आपको इंग्लिश में फिलअप कर देना है। इसी इतना फिलअप करने के बाद इधर आपको वर का नाम, वधु की संपूर्ण डिटेल्स देनी है, जो ऊपर आपने
वर्क पक्ष की दी है वो वहीं उसी तरह से आपको यहाँ पे वधू की जो जितनी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पर उस वधू का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, और इधर जाति, स्थायी पता और जन्मदिनांक, और इसी प्रकार जो अन्य डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इधर आपको यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप करनी है। इतना जो कर लेते हैं तो इसके बाद आपको पॉइंट नंबर सी में आना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर सी में आपको जो विवाह का पता है वो आपको इधर हिंदी में लिख देना है और इधर इंग्लिश में लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लगा देना है इंग्लिश में और स्टेट आपका राजस्थान है ये। इसके बाद आपको जो ज़िला है वो इधर हिंदी में लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो विवाह दिनांक है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से चेक करके फिलअप कर देनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और इधर जो वर पक्ष है उस यानी वो जो वर है उसकी यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ आपको यहाँ पे चस्पा कर देनी है। यहाँ पर जो 2 रुपये की स्टाम्प की जो आती है मोहर वो यहाँ पे आप लगवा लेनी है आपको यहाँ पे कोर्ट के द्वारा। हाँ, एक जानकारी और है कि आपको जितने भी ये कोर्ट के द्वारा आपको यहाँ पे इस फॉर्म को नोटरी करवाना होगा। इधर आपको यहाँ पे वधू की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फोटो है वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। इसी प्रकार आपको जो प्रथम गवाह है उसका यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करवा लेना है। नाम लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर, पता आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। इसी प्रकार आपका जो द्वितीय गवाह है यानी कि जो वधु पक्ष का गवाह है उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर देना है। और आपको यहाँ पे अगले पृष्ठ पे आपको आना है। यहाँ पर जो वर होता है उसका जो शपथ पत्र है वो शपथ पत्र वर के द्वारा भरा जाता है। यहाँ पर जो वर है वो उसका नाम लिखा जाता है। यहाँ पर उसके पिता जो पिताजी हैं उसका नाम, यहाँ पर जाति लिख दी जाती है और कहाँ का मूल निवासी है वो आपको यहाँ पे लिख देना ही है। इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर कि मेरा विवाह है वधू का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी जाति, निवासी और जिस दिनांक को विवाह उसका यहाँ पे वो लिख देना है तारीख। इसके बाद आपको वधू के निवास स्थान या गाँव का नाम लिख देना है, तहसील लिख देनी है, जिला लिख देना और संपन्न हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर डेट फिलअप कर देनी है और यहाँ पर आपको जो इसके बाद आपको शपथ ग्रहीता यानी कि जो वर है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। यह सिग्नेचर ग्राम विकास अधिकारी अपने सामने भी करवा सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो वधू है उसका जो शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसी प्रकार जैसे वर का क्या था, यहाँ पर वधू का नाम आता है, वधू के पिता का नाम और उसकी जाति आती है और निवास स्थान का नाम आ जाता है। इसके बाद आपका जो वर है उसका यहाँ पे नाम होता है, उसके पिताजी का नाम, जाति, निवासी, दिनांक, जिस जगह का जो वर है उसका स्थान, यहाँ पर तहसील, जिला यहाँ पे लिख दिया जाता है और इसके बाद सब जो वधू है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लिया जाता है। और यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पर जो शपथ पत्र है वो गवाह वर पक्ष के द्वारा जिया दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा जाता है कि मैं जो गवाह है उसका नाम लिखा दिया जाता है। इसके बाद उसके पिताजी का नाम, उसका जाति, उसका निवास स्थान और तहसील, जिला लिख दिया जाता है। इसके बाद उसका जो शपथ लेता है उसका यहाँ पे लिखा जाता है कि श्री, यहाँ पर जो वर है उसका नाम लिख दिया जाता है, पुत्र यानी कि उसके पिताजी का नाम वर के, यहाँ पर जाति, निवासी, तहसील, जिला राजस्थान जो भी है यहाँ पर जो अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। और यहाँ पर नीचे आना है आपको, यहाँ पर राजस्थान के साथ दिनांक जो विवाह की दिनांक है वो उसका स्थान लिख देना है। यहाँ पर जो दिनांक हुआ है जहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है उसका यहाँ पे गांव का नाम लिख देना, तहसील का नाम लिख देना और जिला आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है और जो शपथ लेता है उसके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं। यहाँ पर जो ये शपथ पत्र जो है वो वधु पक्ष के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर जो गवाह है उसका नाम लिख देना है, पुत्र का नाम लिख, उसके पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ पर जाति जो पीछे लिखा है उसी प्रकार आपको यहाँ पे इतनी डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो वधू का नाम है और उसके पिताजी का नाम, जाति, निवासी, जहाँ का निवासी है, तहसील, जिला, ये सभी आपको अच्छी तरह से चेक करके फिलअप कर देना है। और यहाँ पर जो वधू पक्ष का जो शपथ लेता है या गवाही देता है उसका आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। इसके बाद यह शपथ पत्र जो जिस पंडित के द्वारा आपका जो यहाँ पर विवाह संपन्न करवाया जाता है उस पंडित के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर जो पंडित है उसके नाम लिख दिया जाता है, पंडित के या जो ब्राह्मण है उसके पिताजी का नाम, उसकी जाति, ब्राह्मण, निवासी, तहसील और जिला यहाँ पर लिख दिया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे
जो ब्राह्मण है उसके द्वारा शपथ ली जाती है कि श्री यहाँ पर पुत्र का जो वधू वर है उसका यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है, उसके पिताजी का नाम। और उसके इसी तरह आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे राजस्थान का विवाह वधू तहसील जिला इत्यादि आपको यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो ब्राह्मण है उसका आपको सिग्नेचर करवा लेना है। उसी के साथ इनका सभी का एक एक का आधार कार्ड आपको यहाँ पे लगा देना है, और आधार कार्ड भी आपको सभी का मोबाइल नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वर का नाम जो है यहाँ पे जो प्रपत्र है इसमें आपको थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर आपका जो ये फॉर्म है उसमें यहीं लैंडस्केप में ही है, तो इसका आपको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो वर है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पर जो कन्या है यानी कि जो वधु है उसका जो डिटेल्स है वो आपको नीचे लिख देना, नाम लिख देना है। इसके बाद आपको जो आवेदक है यानी कि जिसके द्वारा ये आवेदन किया जा रहा है उसका नाम, यहाँ पर विवाह स्थल का नाम लिख देना है। विवाह की तिथि आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, क्रमांक आपका कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दिनांक लिख देनी है, किस दिनांक को आपने ये आवेदन किया है। यहाँ पर जो वर और वधु है उनको दोनों का संयुक्त फोटो आपको लगा देना है। यहाँ पर प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर यानी कि आपको जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेने हैं, और आपको नेक्स्ट फेज पे आपको आ जाना है। ये जो फॉर्म या पंजीयन है ये नए जो वर्तमान में नए विवाह हुए हैं उनके लिए है। अगर आपका जो विवाह है जो काफ़ी पुराना हो चुका है यानी लगभग 3-4 साल बाद में आप विवाह प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो आपको इसके अगले वाला पंजीयन फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। यह प्रपत्र 2006 से पूर्व जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए लागू होता है। अगर आपका 2006 के बाद में आपका विवाह हुआ है तो आपको इस प्रपत्र को फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विवाह 2006 से पहले फिलअप हो चुका या विवाह पहले संपन्न हो चुका है तो आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसमें नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आवेदक का आपको नाम लिख देना है, वर्तमान आयु आपकी लिख देनी है, विवाह स्थल कहाँ पर आपकी शादी हुई है, प्रमाण पत्र हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता के पत्नी का संयुक्त फोटो, और यहाँ पर दिनांक किस दिनांक को आपने आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर क्रमांक है वो ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा लिख दिया जाएगा, और विवाह की तिथि आपकी क्या थी वो इस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपको अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। और अगर किसी प्रकार का और सहायता चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।